वेलकम टू द ब्लॉग गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दो दिन बाद इसलिए ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए आप लोग देख ही रहे होंगे कि दो दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, तो आज आप लोग ब्लॉग देख ही रहे हैं। तो आज का मैं आपको छोटा सा एक और रीजन बताया था ब्लॉग का। आज कहीं हम जा रहे हैं कोई प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ, समथिंग 2-3 बजे दुकान ऑफ करके फिर उस प्रोग्राम में जाएंगे। सारी डिटेल आपको देता रहूँगा ब्लॉग के अंदर। भाई मेरी दुकान वगैरह खोल ली है और अभी बारिश का टाइम हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। वहाँ पे बाइक खड़ी है और इधर साइकिल खड़ी है हमारी साइकिल फिर लूनो, देखो पर साइकिल लूनो और फिर R15 और दो गाड़ी घर पे, एक यस वाली एक पापा वाली, ठीक है। इधर तिरपाल वगैरह ढक रखा है सामान खराब ना हो जाए, और बारिश वगैरह हो रही है पूरी पूरी, चारों मेरे से देख सकते हो, मतलब लाइट बारिश हो रही, ज़्यादा जोर नहीं हो रही। प्रोग्राम में जाना है 2-3 बजे समथिंग जाएंगे ऑफ करके, ओके। तो गाइस कपड़े वगैरह जूते वगैरह सब कुछ खरीद लिए हम लोगों ने, अब गाड़ी में बैठे और यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये भाई है ड्राइविंग सीट के ऊपर जो कि हमें लेके जा रहे हैं, और हमने सेम दो गाड़ी करी है, ठीक है, सेम टू सेम, बस कलर का डिफरेंस एक पीछे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है। और अभी हम है डाबला रोड के ऊपर जहाँ से हम निकलने वाले हैं, और मेरे साथ है फिलहाल महेश जी, और यहाँ पे यस है। पीछे वाली गाड़ी में 3-4 लोग हैं, जैसे राकेश हो गया, पीटीआई जी हो गए, कैलाश हूँ, और बोधन बाबा जो कि हमारे शॉप पे रहते हैं, और कुछ हमारे दो रिलेटिव जो जानकार हमारे, ठीक है, उसमें बैठे और हम चल रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं माउंडा की साइड, माउंडा नीम का थाना से आगे बताया गांव है, तो वहां चलते हैं, ओके गाइस। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम, ओ माय गॉड, प्रोग्राम वाली जगह पे आ चुके हैं। दिक्कत हो गई अब तो, मोटी हो गई, सच में हो गई मोटी। हम प्रोग्राम में आ चुके हैं और डीजे सामने बज रहा है, हम यहाँ फंस गए, तो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फंस चुके हैं चारों मेर से, दोनों फंस गए, चारों चारों फंस गए, हम क्या करें, एक और गाड़ी फंस गई, एक और आ रही पीछे, मर गए हम तो क्या करें, उतरना पड़ेगा ना गाइस। हमने गाड़ी लगा दी उस साइड, एक गाड़ी आ रही है, एक वो लगा दी वहां पे सामने, और ये वाली यहाँ लग रही है, ये लगने के बाद हम तेज आवाज कर रहा है बहुत जोर से आ रही है डीजे। गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, और देखो ये पापी नहीं, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, आवाज आ रही है आप लोगों को, डीजे चल रहा है वहाँ पे। गाइस मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे और उनको छोड़ के आ चुका हूँ, अभी मेरी सिस्टर ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के ले गई मेरे को, तो मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को लगा किस लड़के ने हाथ पकड़ लिया, कौन ले जा रहा है, तो मैंने पूछा मैं पकड़ के कौन ले जा रहा है, फिर उसने फेस दिखाया, मेरी बड़ी वाली सिस्टर लेके गई थी, अभी दिखाया था मैंने आप लोगों को, वही थी, ओके। तो वो नाच रहे हैं, वो नाचने के लिए मेरे को ले गए थे, मैं आ गया उनको झूठ बोल के मैं आ रहा हूँ वापस, मैं आ चुका हूँ गाड़ी वाले की साइड। तो वो गाइस अभी यहाँ पे आ चुके हैं, बोधन बाबा बैठे हैं, तो वहाँ पे राकेश बैठा, कैलाश दाव बैठे, पीटीआई जी बैठे, महेश जी बैठे, और वो आ गया, यस मतलब आवाज़ नहीं आती इसलिए दिखा दिया आप लोगों को, और मैं भी दिख ही रहा हूँ क्योंकि गांव में आए इसलिए यहाँ पे लाइट वगैरह कम है, और आवाज़ भी ठीक ठाक आ रही होगी, डीजे में थोड़ा आपको सुनाई नहीं दिया होगा, फिर भी मैंने कोशिश करी आपको बताने की। गाइस सिस्टर आ चुकी है डीजे के बाद तेज, इसलिए जोर से बोल रहा हूँ मैं, ये जा रही टोकरी रख के, पूजा होगी यहाँ से, अब मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब बता भी नहीं सकता ना ही बोल सकता, अंदर जाके मिलवाएंगे आपको मेरे सिस्टर से जिसके लड़के। गाइस अभी दादाजी से मिलवाता हूँ आपको, मेरे दादाजी ये बैठे हुए हैं, ये रहे मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, क्या हाँ ताली है चाची के पास, ठीक है, ओ चाबी दे के आ चुका हूँ मैं, चाची को बाबा पूछ रहे कि चाबी किसको दे के है ना, यस वो रहा। गाइस अभी हम बैठे लड़कियों के इलाके में, मम्मी बैठी है, भाभी बैठी है, और वो बैठी है सिस्टर जिसके लड़का हुआ है, ओके। वो अभी फिलहाल बच्चे को दूध पिला रही है, और ये उनकी लड़की है छोटी वाली है जो बैठी है साइड में, ये छोटी बच्ची, और हम भी यहाँ बैठे हुए गेस्ट की तरह कुर्सी के ऊपर बैठा रखे हैं हमको, बैठे हुए अभी दूध पिला लेती है, बच्चे का फेस दिखाता हूँ, बहुत क्यूट बच्चा है, ओके अभी फिर गाइस हमें यहाँ पे बैठा दिया है, और पापा जयपुर गए हुए इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा है, और अभी वहाँ जाके तिलक उलक भी करवाना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना मेरा। गाइस छेड़खानी कर रही है, बैग में काल दूंगा, काल दू बैग में, बोल भाई कहाँ है तेरा भाई, अरे तेरा भाई कहाँ है, कहाँ पे बता, पकड़ के ले गया उसको, चल
ये वाला काम चालू हो चुका है, जिसने पकड़ाते हैं ना सारी चीजें पकड़ाते पकड़ा दिया है और जिया जी को पैसे वगैरह सारी चीज दे दी है। और अब आगे प्रोसेस मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मगाई जब जिया जी के लक्षण लेकर खड़ी करा गया हूँ। यस, वहाँ पे चैन पर आ रहा है, देखो फरा दी और अनिल ने अंगूठी पहनाई है, बड़े वाले भाई ने अंगूठी, सॉरी ये वाले, ये तो गलत हो गया। जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। तो गाइस फिर से आ चुका हूँ उनके पास, बाहर तो हो गया वो एक तो घड़ी पर आया है मैं, जिया जी को सोने वाली और एक चांदी चैन, सॉरी इसकी जो नकली चैन पर आया गोल्ड की, और एक क्या थी, एक पर आया अंगूठी, ठीक है वो नहीं पता नकली थी असली थी उसका पता नहीं है। बाकी तीन चीज पर आके आ चुका हूँ, अभी आ चुका हूँ मैं सिस्टर के पास जिनके हम प्रोग्राम में आए हैं। ये मेरी सिस्टर है और ये रहा बच्चा, देख कितना क्यूट बेबी है गाइस, देख लो इसके, देखो वो एक बोलते है ना हाथ लाइन वाली, छोटे छोटे हाथ होते हैं ये, ले इसमें ही नहीं आ रहे हाथ, तुम दिखाई नहीं दे रहे, निकालो 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 निकालो, कहाँ गए हाथ, तो भाई छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, प्यारे प्यारे हाथ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ रोने लगे, रोने उठा दे उठा दे उठा दे। बस गाइस अब आप लोग सारे बच्चों से मिला देते हैं, ये तो जानते हो इसको आतंकवादी शैतान भाई का लड़का, ठीक है वो इसकी छोटी सिस्टर है और ये वाली जो है ये इसकी बड़ी बेटी है, और ये जो है ये पहलवान मेरे पास सो रहा है, सो रहा है ठीक है, और ये इनका छोटे वाला लड़का और वो बड़े वाला है ना। और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ बता दे बेटा, मैं तेरा मामा जी लगता हूँ, वो ये क्या लगती है, ओए क्या क्या तेरे में, कोई बाबू सो रहा है, तुम दूर रहो, ए दूर रहो ना, चलो यहाँ से सब चला जाए, वो निकल गई तेरी अकड़ी उकड़ी, क्या फोड़ देगा, चले यहाँ से निकल, क्या क्या बोल रही है, तुम्हारी आधी बात समझ में आती है। गाइस खाने वाला काम हो चुका है, खाना वगैरह खा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, पेट भर के मैंने खाना खा लिया है, और ये देख सो रही है यहाँ पे, इसको शर्म नहीं आ रही, सो रही है तू बाहर लोग खाना खिला रहे, ये बिल्ली थोड़ी है, बिल्ली नहीं है ना, वो सो रहा है, देख तू पैक कर रहा है इसको, इसी दम नहीं उठ जा रही, सांस नहीं आ रही इसको, ऐसे कर दे, देख कितना प्यार, कितना प्यारा लग रहा है, आधी शक्ल दिख रही है आपकी, क्या बता दिया, इनकी ननद की लड़की है ये, इनको लाइक करो कमेंट करो और शेयर करो आप भी हमारे व्लॉग देखा करो यूट्यूब के ऊपर। बेटा जल्दी से बड़ा हो जा, फिर अपने को भी ये वाले नोट कमाने, ठीक है जल्दी जल्दी से बड़ा हो जा, ये वाले नोट कमाने, खुशबू लेते तो नहीं सो फिर अपने वाले नोट कमाने मोटे पैसे